तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुंशी पाटी की गाड़ी आई और साथ में पुलिस भी है। भागो। भैया तोरण, अरे मेरा और उसको ए पास चला, हाथ दिया, तो भाग रहा है वो, पकड़ उसको। आप लोग क्यों आए? अरे चलो चलो इनको सबको लेके चलो। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैडम, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। सर आप इन गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम जो ये कर रहे हैं वो समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप अपने घर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। अरे माफ कीजिए सर, पर हम जवाब जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आप बताइए ना, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग, हम भारत देश की महिलाएं हैं। यहाँ पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, हम वहीं रहती है। देखिए मैडम, आप देखिए साहब इन मायूस चेहरों को। दिवाली में कहाँ जाएंगे बेचारे? आप लोगों ने अचानक छापा मारकर इन बेचारों का ढंडा चौपट कर दिया। ये तो गलत है ना, आप ऐसे इन्हें कैसे भगा सकते हैं? सुनिए मैडम, हमें भी अच्छा नहीं लगता है इन गरीब फेरी वालों को परेशान करना, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमें ये सब करना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है? आज क्यों बरी, ये दिवाली का वक्त है, इन लोगों को ठंडा करने दो नहीं बाबा। अभी ठंडा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम भी मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं। मैडम ये लोग जो रास्ते पर सामान लेके बैठते हैं उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, रास्ते पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, और कुछ बुजुर्ग यहाँ पर चलते चलते भीड़ की वजह से गिर जाते हैं मैडम, और कुछ गलत लोग इसका पूरा फायदा उठाते हैं, चोरी चकारी करते हैं, चेन लूट कर ले जाते हैं, पर्स मारते हैं। बाप रे। और यही नहीं मैडम, इस भीड़ की वजह से अक्सर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खो जाते हैं, और यहाँ के जो दुकानदार है ना वो भी इन लोगों की वजह से परेशान है मैडम, और ये लोग अपना सामान लेके उनके दुकान के सामने बैठ जाते हैं तो उनका धंधा भी नहीं होता, और हमारे पास इन दुकानदारों के आए दिन शिकायतें आती रहती है। हाँ लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा ना? हाँ। सॉरी मैडम, हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है, इन सब परेशानियों को टालने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ता है। अब आप ही बताइए क्या हम गलत कर रहे हैं? चलो लेके चलो इनको, बिठाओ अंदर। मैडम जी ये आपका 360 रुपया भगदड़ में मेरे पास रह गए थे, ये 200, ये 100 और ये 60 रुपये। गरीब जरूर है मैडम लेकिन बेईमान नहीं है। हे भगवान, इस साल की दिवाली तो बेकार गई। मम्मी कुछ नहीं। मम्मी आज हम खिलौने लेने जाएंगे ना? आज नहीं। हाँ बेटा, आज का दिन ही खराब है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब तो यहाँ बैठने में भी डर लगेगा।
वो लोग कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे और दिवाली में भी आएंगे। अब यहाँ हम अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। तो अब हम हमारा दिवाली का सामान कैसे बेचेंगे? ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो गया है साहब। पहले ही ऑनलाइन के कारण हमारा धंधा बंदा है, सब लोग ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। ऊपर से मॉल और बड़ी दुकानों ने हमारा धंधा खराब कर दिया है। एक तो दिवाली में मुश्किल से कमाने को मिला था, अब वो भी गया। अब दिवाली के बाद ये सब सामान कौन खरीदेगा? हाँ सही कहा आपने, दिवाली के सिर्फ दो दिन बचे, अगर हमारा सामान नहीं बिका तो हम क्या करेंगे? समझ ही नहीं आ रहा है। धंधा चौपट हो गया, इस टाइम दिवाली में कुछ नहीं होगा। हमारे लिए तो दिवाली सिर्फ नाम की रह गई है। अरे बाप रे, कभी इनका सामान नहीं बिका तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे? दिवाली में उनके घर में दिए नहीं जलेंगे। पर रोशन भाभी, दिवाली में अभी दो दिन बाकी है, इन्हें ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके अपना सामान बेचना चाहिए। हाँ पर ये अपना सामान कहाँ बेचेंगे? हाँ काश काश हम इन सबके लिए कुछ कर पाते। वेरी ट्रू। मेरे पास एक आइडिया है। क्या कैसा आइडिया? ऐसी आइडिया जहाँ ये लोग बिना झंझट बिना परेशानी के अपना सामान बेच सकते हैं। सोसाइटी। किसकी? किसकी? अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम? मैं अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की बात कर रही हूँ। वहाँ ये लोग आराम से अपना सामान बेच सकते हैं। अपन गोकुलधाम में ये सब कैसे होगा? रोशन भाभी, हमारी सोसाइटी में सब कुछ हो सकता है। याद है आपको हमारी सोसाइटी में कोविड वैक्सीन महोत्सव हुआ था? हाँ हाँ माधवी भाभी, वो कैसे भूल सकते हैं? हमें बड्डा लोगों ने कितनी मेहनत की थी। हाँ सबको वैक्सीन लेने के लिए कितना एनकरेज किया था। वो बस तो फिर जैसे वैक्सीन महोत्सव के लिए बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में आए थे, वैसे ही इनका सामान खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। माधवी भाभी की बात में दम है, ये हम कर सकते हैं। वो हाँ, और गोकुल धाम में हम इनकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। और ये लोग वहाँ बिना रोक टोक के अपना सामान बेच सकेंगे। मेरा मन कह रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यस। तो क्या कहते हो, हम इनको कल से सामान बेचने के लिए गोकुलधाम में न्योता दे दे। हाँ चलो, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। टुबु टुबु कुमल भाभी, पर उसके लिए भेड़े भाई से बात करके परमिशन लेनी होगी। अरे हाँ, परमिशन लेना तो बहुत जरूरी है। अरे सेक्रेटरी से क्या डरना, जब सेक्रेटरी की होम मिनिस्टर खुद हमारे साथ है तो। अगदी बरोबर बोलना तंजलि भाभी, मैं हूँ ना, और मुझे बिल्कुल खात्री है कि ये ऐसे शुभ काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे और मेरी बात तो कभी नहीं टालेंगे। समझो हमें परमिशन मिल गई। वाओ दैट्स ग्रेट। तो चलिए हम जाके इनसे बात करते हैं। हाँ, 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 चलिए चलिए। सुनिए जरा आइए ना, कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, हमें आपसे बात करनी है, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज? क्या बात करनी है? क्या बात करनी है मैडम? आप लोग आइए तो सही, बताते हैं। आइए आइए। हाँ आइए 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 आइए, सबको आ जाने दीजिए। हाँ, बताते हैं। हाँ, दो मिनट लो आगे। आइए 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 आइए। क्या बात है मैम साहब, कहिए आपको क्या बात करनी है? देखिए हम लोग वो बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ से आए हैं। हम सब ने देखा कि आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ। हाँ मैम साहब, हमने देखा था, अब हम लोगों के लिए पुलिस से भिड़ गई थी। हाँ हाँ मैंने भी देखा था, लेकिन उसका कुछ फायदा तो हुआ नहीं, हमारी समस्या तो हल नहीं हुई। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। अब हमारा दिवाली का सामान कहाँ बेचेंगे? आपकी इसी समस्या के लिए हमें आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, दरअसल बात यह है कि हम आपको आपका सामान बेचने में मदद करना चाहते हैं। आप लोग हमें कैसे मदद करेंगे? हाँ हमारे पास तो सामान बेचने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। अब है, हमने आपके लिए सामान बेचने की बहुत मस्त जगह सोची है। क्या आपके पास हमारे लिए सामान बेचने के लिए कोई जगह है? हाँ जी। वैसे कौन सी जगह है वो? हाँ, 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 कौन सी जगह है वो? जगह है गोकुलधाम सोसाइटी।
आप वही पाउडर गली के पास वाली गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में बोल रही है ना, जहाँ अभी फ्री में कोरोना के लिए रसीकरण हुआ था। एग्जैक्टली, बराबर। हाँ, मेरा भी फ्री में वही रसीकरण हुआ था। हाँ भाई, वहाँ तो बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग आते हैं। मैंने सुना है वहाँ के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल सही सुना है आप। हम चाहते हैं कि आप आपका सामान लेकर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए और वहाँ बेचें। हाँ। गोकुलधाम सोसाइटी में? पर हम सोसाइटी में अपना सामान कैसे बेच पाएंगे? हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो वहाँ हम लोग आपके लिए स्टॉल्स लगवा के देंगे ना। और आप लोगों को जो भी व्यवस्था चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी। लेकिन आंटी, मेरी मम्मी को कोई वहाँ से भगाएगा तो नहीं ना? नहीं नहीं पड़ा, तुम्हारी मम्मी को कोई नहीं भगाएगा। हाँ, मैम साहब, मैंने आपकी गोकुलधाम सोसाइटी देखी है, वो बहुत अंदर पड़ती है। यहाँ रस्ते में हमारा धंधा मंदा चल रहा है, वहाँ अंदर हमारा सामान खरीदने कौन आएगा? देखिए भाई साहब, आप उसका टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए प्रचार करेंगे। और पोस्टर भी छपवाएंगे। बिल्कुल। और आपका सामान बेचने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे। आप लोग बस विश्वास रखकर सामान बेचने के लिए आ जाइए। और वहाँ सिर्फ हम क्या, पूरी सोसाइटी आपकी मदद करेगी। एग्जैक्टली। हम आ तो जाए मैडम, लेकिन बाद में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं भाई साहब, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैम साहब, सोसाइटी वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे ना? अरे, सोसाइटी के सेक्रेटरी की बीवी हमारे साथ है। आप लोग घबराइए मत, बस अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच जाइए। आप लोग कितने अच्छे हैं, हमारा दिवाली का सामान बेचने के लिए अपनी सोसाइटी में बुला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका। ठीक है, तो आप लोग कल सुबह 10 बजे तक गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए। ओके, तब तक हम लोग बाकी सारी तैयारी कर लेंगे। अब हम हमारी शॉपिंग गोकुलधाम में ही करेंगे। बिल्कुल। आज कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छा काम किया हम लोगों ने। नहीं, इस नए काम के लिए पार्टी तो बनती है। क्यों? तो चलिए अग्रवाल की स्पेशल पानी पूरी और चाट खा के घर पे चलते। हाँ, पानी पूरी खाएंगे। अंजलि भाभी, आप पानी पूरी खाएंगे? आप फ्रेंड्स के साथ कभी कभी चलता है। हाँ तो चलो, कितने दिन हो गए पानी पूरी खाई भी नहीं है। मैम साहब ने हमें आने को कह दिया, गोकुलधाम सोसाइटी पास ही में है, हम आज ही टेम्पो में अपना सामान वहाँ रख देते। हाँ, कितने अच्छे लोग हैं, हमें भी हमारा दिवाली का सामान बेचने के लिए नई जगह मिल गई। मैं तो कहती हूँ कल सुबह 10 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाते हैं। कल सुबह जाने की क्या जरूरत है, हम आज ही निकल जाते हैं तो पता चले सोसाइटी कितनी बड़ी है। और एक काम करते हैं, हम सब के सब जा ही रहे हैं, अपना सामान भी लेके चलते हैं। तो चलो सब लोग साथ में मिलके गोकुलधाम सोसाइटी देख लेते हैं। चलो। अरे मैं तो कहता हूँ टेम्पो ही अभी बुला लेते। गोकुलधाम वाले हमारे काम के फूट होने वाले ने, कल तो गोकुलधाम में धमाल मचने वाला। इसी बात पे एक एक प्लेट पानी पूरी हो जाए। इतने दिनों बाद पानी पूरी खा के मजा आ गया। अरे करो, बहुत सोची पानी पूरी की, मैं तो 4-5 प्लेट खाने वाली हूँ। अरे बोलना नहीं। ओहो, क्या बात। अरे थोड़ा जल्दी करो ना, अरे जल्दी हाथ लगा। ये दोनों टेम्पो लोड हो गए। चलो, सामान लोड हो गया है, अब हम निकल सकते हैं। लेकिन मेम साहब ने हमें कल आने को बोला और हम आज ही जा रहे। मेरे हिसाब से हमें एक बार गोकुलधाम जाने से पहले मेम साहब से बात कर लेना चाहिए। अरे पर कैसे बात करेंगे, एक तो जल्दी में हमने नंबर लिया नहीं, किसी ने रोक दिया तो। अरे तो क्या हुआ, हम बोल देंगे कि सोसाइटी के सेक्रेटरी की बीवी ने बोला है, है ना? ये सही है। हाँ, तो चलते हैं पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। ये लीजिए बाबा आपकी चाय।
अरे वाह, ओहो हो, सुनो बेटा, क्या अप्रतिम चाय बनाई है तुमने। हा? क्या बाबा, अभी तक आपने चाय टेस्ट भी नहीं की है और आप कह रहे हो अप्रतिम चाय बनी है। अरे मेरी प्यारी बेटी ने अपने प्यारे हाथों से चाय बनाई है तो अप्रतिम ही होगी ना। अरे मेरे बाबा भी तो सबसे प्यारे हैं। बेटा हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला था ना अप्रतिम चाय बनी है। माधवी ने चाय पी होती ना तो वो भी खुश हो जाती। थैंक यू बाबा। अच्छा बाबा, मैं क्लब हाउस जा रही हूँ। ओके। वाह शिकली शिकली मुलगी शिकली। सोसाइटी में एक साथ तीन तीन टेम्पो किसका होगा? मेरे भाई को बताना पड़ेगा। आपने कोई सामान मंगाया था? नहीं तो सोसाइटी में तीन तीन टेम्पो भर के सामान आया है। तीन तीन टेम्पो भर के सामान, और साथ में कुछ लोग भी आए जो धड़ाधड़ सोसाइटी में सामान खाली कर रहे हैं। सोसाइटी में सामान खाली कर रहे हैं? हाँ। अरे एक बात तो है, सोसाइटी बहुत बढ़िया है, यहाँ सामान बेचने का मजा आएगा। तुम ये बॉक्स यहाँ पे कर दो। ये दादा, हम लोग सब है ना, दिया कंदील सब बॉक्स अलग अलग रखेंगे। अरे ये बॉक्स भी उतारो ना। ओ दादा थोड़ा काम जल्दी करो दादा। अरे थोड़ा ना उतर जाने दो। देखो देखो सामान उतर रहे दादा, उतर। ये सब क्या है, किसका सामान है? मुझे क्या मालूम। ये मास्टर, ये सब लोग कौन है? अच्छा सोसाइटी में कोई फंक्शन है? मेनू में क्या है? अरे कसला मेनू, कोणाचं काय? अरे कोई फंक्शन नहीं आती भाई। अरे ओ भाई साहब, ओ सुनो, ए किसका सामान है? अरे इसको तो सही तो खाली सर। अरे अरे रुकिए एक मिनट, पीड़े मास्टर को आने दीजिए। तीनों टेम्पो में से सामान उतार दिया ना। क्या कर रहे हो, सब उधर ही जमा कर दिया है। बड़ा नाम उधर उधर करो। अरे ये काय, ये कोण है? अरे कोण है? अरे अरे काय चाल रहा है? भाई साहब, क्या हो रहा है सब? अरे भाई सामान उतार रहे, एक मिनट। अरे लेकिन किसका सामान है? अरे ये हमारा सामान है, ए उतारो जल्दी। अरे क्या उतारो उतारो है भाई, ए काय चालले काय है? मेरे मास्टर कौन है ये लोग, काय माहिती? इधर लेके आओ जगन, इधर आओ। और ये स्कूटर हटाओ, हटाओ स्कूटर, हटाओ, ए हटो 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 यहां से हटो। मेरे सकराम को हाथ मत लगाओ। भाई साहब हमने कहां सकराम को हाथ लगाया? हां कौन है सकराम? ये है सकराम। ये तो स्कूटर है, ये सखाराम ही है। हम तो इसको साइड में कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम हाथ पे लगाओ सखाराम को, दूर रहो दूर रहो। तो ठीक है, सखाराम को हाथ नहीं लगाते। ए राजू सामान इधर लेके आ। अरे भाई साहब थोड़ा हटो ना, इधर हाथ पे लगाओ राजू। रुको रुको वहीं पे। अरे अरे काय चाल रहा है? अरे किसके बच्चे हैं ये? अरे मुझे क्या मालूम, सामान के साथ आए। अरे लाली इधर आ, जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ वहां बैठे रहो। दोस्तों जिंदगी में हम लोग सोचते कुछ और है, ऊपर वाला करता कुछ और है। जैसा हम सोचे अगर वैसा ही होने लगे तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी। जो खट्टे मीठे रंग है ना जिंदगी में, ये नहीं रहेंगे। अब हमारी महिलाओं ने, मतलब गोकुलधाम की महिला मंडल ने जो कुछ सोचा है वैसा होगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इन फेरी वालों को भिड़े सोसाइटी में सामान बेचने की इजाजत देगा? और अगर इजाजत दी तो तय है कि दीपावली पे हंगामे खूब होंगे, और इजाजत नहीं दी तो फिर हंगामे अवश्य भावी है। तो देखना यह है कि यहाँ किसी भी परिस्थिति में हंगामे तो होंगे, और यहाँ जितने हंगामे होंगे उतने आपके घरों में ठाक होंगे। तो बस तैयार रहिए हंगामों के लिए, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।